सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। हमारे चैनल को देखने और समर्थन के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने इंजीनियरिंग भी किया, जॉब भी किया, लेकिन मुझे वो मिसिंग लग रहा था, तो मैंने घर पे भी नहीं बताया और मैंने जॉब को छोड़ दिया। फिर वहाँ से मेरा योग का जर्नी स्टार्ट हुआ। योग एक्चुअल में किसी रिलीजन, किसी धर्म, जाति से बिलोंग नहीं करता है। हो चुकी पूर्ण योजना नियति की सारी, कल ही होगा आरंभ समर अतिभारी। जो भी चाहते हैं वो इच्छा आप पूर्ण कर सकते इस मंत्र जाप के थ्रू। आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मेरा नाम शशिकांत है और मैं एक डांसर हूं और योगा टीचर हूं, और मैं पिछले 3 साल से योग सिखा रहा हूं। 30वां जन्मदिवस मेरा था, तो मेरा जन्मदिन था और मुझे अंदर से ही खुद ब खुद लगा कि मुझे योग करना है। कुछ दिन पहले से ऐसा चल रहा था, तो मैंने जो मेरे शिक्षक हैं, मेरे गुरु हैं योग के, ब्रह्मचारी जी, तो मैंने उनको बोला मुझे योग सीखना है। तो उनको लगा कि ऐसे ही नॉर्मली जो लोग पूछते हैं कि हाँ 2-4 दिन करेगा, पता नहीं, लेकिन मेरे अंदर क्यों ये जन्मदिन के अंदर ये मैंने ठान लिया था कि जन्मदिन के दिन से मैं योग का शुरुआत करूँगा। मेरा तो बचपन से नहीं बोलूँगा, 10th के बाद से मेरा एक्चुअल में स्टार्ट हुआ था कि मुझे डांसर बनना है। तो ऐसे तो मैं इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैंने इंजीनियरिंग भी किया, जॉब भी किया, लेकिन मुझे वो मिसिंग लग रहा था। साथ में डांस भी करता था बाहर, तो मैंने घर पे भी नहीं बताया और मैंने जॉब को छोड़ दिया। जॉब छोड़ने के बाद फिर मैं सोचा कि कैसे स्टार्ट करूं जो कि बेहतर बन सकूं और बेहतर भारत का नाम रोशन करूं, बिहार का नाम रोशन करूं। तो इसके लिए मैंने ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया, पहले दिल्ली में रह करके, ब्रुकलिन एकेडमी ऑफ डांस एंड आर्ट, वहाँ रह करके मैंने 2 साल लगातार ट्रेनिंग लिए। बहुत सारे इंटरनेशनल आर्टिस्ट लोग के साथ काम किया, ट्रेनिंग लिया, ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल किया। बाहर से आर्टिस्ट लोग आते थे तो उनके साथ रहता था, सीखता था, और अलग अलग जगह पे परफॉर्म करता था, बिहार को रिप्रेजेंट करता था डांस बैटल वगैरह में। तो ये सब चलता रहा, लेकिन मेरे अंदर इच्छा यही था कि मैं भागलपुर बिहार आकर के वापस अपने जगह पे काम करूं। तो मैंने स्टार्ट किया वहाँ से, फिर भागलपुर आया, यहाँ पे क्लासेस वगैरह देने लगा अलग अलग डांस इंस्टीट्यूट में। लेकिन फिर जब ये सब चीज़ अच्छे तरीके से चल ही रहा था, तो फिर लॉकडाउन हो गया। योग भी मेरा चलता रहता था साथ में, लेकिन हम कभी इस चीज़ के लेकर के आगे नहीं बढ़ रहे थे, हमको डांस में ही आगे करना था। लेकिन फिर मैं आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ा और मैंने हैप्पीनेस प्रोग्राम किया था, जहां मुझे बहुत सारे अलग अलग क्रिया के बारे में पता चला, सुदर्शन क्रिया के बारे में पता चला। फिर वहां से मेरा योग का जर्नी स्टार्ट हुआ, और उसके बाद फिर मैं इसी योग के कारण से मैंने अलग अलग जगह जा करके अलग अलग तरीके से अलग अलग सब जगह का योग का अभ्यास किया अलग अलग शिक्षक के साथ। फिर लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन में लगातार मैं धूप रहे, बरसात रहे या आंधी तूफान क्यों ना रहे, ठंडी रहे, पूरा 4-5 डिग्री टेम्परेचर रहता था, लेकिन सुबह 7 बजे ठंड के दिन में हम सैंडिस कंपाउंड में अपना प्रैक्टिस कर रहे होते थे। बरसात रहता था तब भी, बरसात में भी हम प्रैक्टिस कर रहे होते थे। धूप रहता था तब भी हम 5 बजे सैंडिस में ही प्रैक्टिस कर रहे होते थे। तो ये हमेशा लगातार 2 साल तक चलता रहा, और अलग अलग जगह जा कर के शिक्षा ग्रहण करते रहा। विपासना मेडिटेशन 10 दिन का, जिसमें मौन रह करके किया जाता है, साथ में आर्ट ऑफ लिविंग का एडवांस कोर्स जो मैंने भागलपुर में भी किया, उसके बाद फिर बैंगलोर आश्रम जा करके किया, फिर ईशा फाउंडेशन वहाँ इनर इंजीनियरिंग भी किया। तो अलग अलग जगह पे गौतम बुद्ध के जो ज्ञान थे,
9 लिम्बास, तो उन सब के ऊपर भी काम किया, सीखा अष्टांग योग। और इसी तरह से मैं, इतने बदलाव आए हैं मेरे जीवन के अंदर, वो खुद ब खुद पता चलता है, वो फील होता है, गुस्सा ना आना, हर एक बात, हर एक लोगों का बात बिना बोले समझ जाना, कहना कौन क्या चाहता है नहीं चाहता है, किस वजह से बोल रहा है, वो सब चीज़ क्लियर समझ पाना। और जो हम चाहते हैं, जिस तरह से काम करना चाहते हैं, ये खुद ब खुद होने लगता है। और मेरा जीवन हमेशा ही ऐसा चलता रहा, मुझे कष्ट कभी फील नहीं हुआ है जब से मैंने स्टार्ट किया है। योग मतलब जोड़ना। योग जो है आजकल के युग में अभी फिलहाल व्यायाम के रूप में लिया जाता है, जो आपके शरीर और मानसिक दोनों चीज़ को व्यवस्थित करता है, जो हमारे सिस्टम का है, हमारे सिस्टम को बहुत ही बेहतर बनाता है। और इसका प्रभाव जो है पूरे जीवन पे पड़ता है। योग के अंदर 3-4 चीज़ आते हैं, जैसे कि योग आसन होते हैं, जिसमें कि हमारे फिजिकल बॉडी के अलग अलग आसन में बैठ करके, खड़े होकर के, सो करके आसन किए जाते हैं, अलग अलग मुद्रा होते हैं। उसके बाद प्राणायाम होते हैं, जो प्राण शक्ति से हम लोग पूरे नाड़ी को क्लीन करते हैं, पूरे ऑर्गेन को क्लीन करते हैं। उसी तरह ध्यान, जो कि हमारे मन, हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, पूरा शांतिपूर्ण आपको कर देगा और आपको एक क्लियर विजन देगा। जो अगर कोई भी डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होता है कि हाँ हमें क्या करना है आगे में, अगर आपका मन शांत रहेगा तो आप कोई भी डिसीजन बहुत ही अच्छे तरीके से ले सकते हैं। तो बेसिकली ये 3 चीज़ का मिला करके योग आजकल जो प्रक्रिया चल रहा है उसमें हम लोग ये 3 का यूज़ करते हैं। इसके बाद भी बहुत सारे चीज़ आते हैं, जैसे मंत्र जाप। मंत्र से भी हम लोग साधना करते हैं, उस मन की शक्ति बहुत ही ऊर्जावान होती है। ये सब तरीका है योग आसन करने का। और जो एक्चुअल में इसका अलग एक्सपेक्ट जो है योग का, वो ये है हमारे लिए कि जीवन और मृत्यु से मुक्ति पाना, जो हमें निर्वाणा की तरफ ले जाता है, जो हमें संसार के इस जीवन के रियलिटी से विमुक्त कराता है, दिखाता है कि एक्चुअल में सच क्या है, जो हमें ईश्वर से मिलाता है, ये है योग। योग एक भारतीय संस्कृति की पुरानी तकनीक है, जिस विद्या के वजह से हम लोग अपने शरीर के हर एक अंग के बारे में जानते हैं, कौन सा अंग कैसा काम करता है। ये एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा तरीका है, जिसके थ्रू हम लोग अपने शरीर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऊर्जावान बनाए रख सकते हैं। योग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो हमें आराम से जगते हैं, उसके बाद थोड़ा हल्का हल्का वार्म अप करते हैं, जैसे कि हर एक जोड़ का वार्म अप, जो भी मसल्स हमारा सोने के समय स्थिर हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, उसको जगाने का कोशिश। तो वो कैसे करेंगे, गला घुमाकर, जितने भी जॉइंट्स हैं, कंधा, कमर, कलाई, पैर को घुटना, एड़ी, हर एक जोड़ का हम लोग हल्का हल्का वार्म अप करते हैं। उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग जो आसन होते हैं, ताड़ासन, उससे स्टार्ट करते हैं, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। वो कोई भी एज के व्यक्ति कर सकते हैं, बच्चे से लेकर बड़े तक, अगर बच्चे करते हैं तो उनका हाइट इंक्रीज होने में बहुत ही अच्छा ग्रोथ होगा, और साथ ही अगर सभी लोग करते हैं तो पूरा मसल्स का खिंचाव होगा, जिसके वजह से आपका मसल्स, हर एक नर्व्स, हर एक मसल्स एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद तिर्यक ताड़ासन होता है, कटी चक्रासन होता है, भुजंग आसन होता है, पवन मुक्त आसन होता है। उसके बाद अगर आपको थोड़ा स्टैमिना बढ़ाना है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना है, ये सब फिजिकल एस्पेक्ट्स हम बता रहे हैं जो भी आसन्स के, तो सूर्य नमस्कार हम लोग कर सकते हैं, जिससे हमारा तेज मानो सूर्य की तरह चमकने लगेगा। और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही आएगी, स्ट्रेंथ आएगी आपके हर एक मसल्स में, पूरे बॉडी के जोड़ में शक्ति आएगी, और चार्ज अप आप बहुत महसूस करेंगे।
जिसमें 12 राउंड होते हैं, 12 पोस्चर होते हैं, 12 आसन होते हैं सूर्य नमस्कार के। अलग अलग आसन में श्वास के साथ हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, और थोड़ा अपर लेवल पे जाने के बाद इसका मंत्र के साथ भी हम लोग उपयोग करते हैं। चैंट करने के लिए सबसे पहले तो पूरे शरीर को मानो पर्वत की तरह स्थिर कर लीजिए। अगर आपका शरीर स्थिर रहेगा तो आपका मन भी स्थिर रहेगा, और मन स्थिर रहेगा तो आप कहीं जो भी चाहते हैं वो इच्छा आप पूर्ण कर सकते हैं इस मंत्र जाप के थ्रू। मंत्र जाप सबसे छोटा मंत्र ओमकार है। ओम उच्चारण अगर हम लगातार करते ऐसे तो मना किया जाता है, क्योंकि बहुत ही शक्तिशाली रहता है। तो ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे ही गायत्री मंत्र है। तो मंत्र के थ्रू हम लोग, मंत्र उच्चारण के थ्रू हम लोग अपने जो भी इच्छा है वो इच्छा शक्ति के थ्रू हम लोग पा सकते हैं। डांस जब से, मुझे लगता है 10th के बाद से मैंने स्टार्ट किया, मुझे पता नहीं है, अनकॉन्शियसली मतलब कि मेरे अंदर से ही था कि डांस करना है। लेकिन डांस भी एक योग का ही रूप है। नटराज जो है शंकर भगवान के रूप, उनके थ्रू डांस नृत्य आया, और मुझे लगता है कि डांस इज़ द बेस्ट फॉर्म जो योग को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो संगीत को, जो धुन को, जो साउंड को, जहाँ से हमारे जीवन का उत्पत्ति होता है उसको अगर फिजिकल फॉर्म में दिखाना है तो वो नृत्य है। डांस के थ्रू हम लोग ब्रह्मांड के हर एक चीज़ को हम लोग समझा सकते हैं फिजिकल फॉर्म में। डांस सिर्फ मतलब कि पोस्चर ही नहीं होता है, वो हमारा एक फीलिंग, इमोशन, जो भाव रहते हैं एक्चुअल में, उसको पोस्चर के थ्रू हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। अगर मैं कुछ भी फील कर पा रहा हूँ तो आप भी फील कर पाएंगे। ये एक ऐसी, क्या बोले, ऊर्जा का एक्सचेंज होता है, शक्ति का एक्सचेंज होता है, कि अगर हम खुश फील कर रहे हैं तो सामने वाले भी खुश फील कर पाएंगे, अगर हम सैड फील कर रहे हैं तो सामने वाले भी सैड फील करेंगे। योग एक्चुअल में किसी रिलीजन, किसी धर्म, जाति से बिलोंग नहीं करता है। योग एक इंसान के लिए एक, क्या बोलूँ, एक ऐसा तकनीक है जो कि हर एक इंसान के ऊपर काम कर सकता है, करता ही है। तो ये जो आजकल वहम चलता है कि ये इस जाति से है तो योग नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो ये दिमाग से निकाल देना चाहिए। हम तो यही कहना चाहेंगे कि सभी लोग, दुनिया में जितने लोग हैं, सब लोग को योग करना चाहिए और इस रास्ते पे चलना चाहिए। ये आपको इंसान बनाएगा।